न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। उगते सूर्य को अर्घ्य दे व्रती महिलाओं ने संपन्न किया महापर्व छठ का व्रत। ऐतिहासिक सूर्यकुंड धाम परिसर में मेले जैसा रहा माहौल, सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। 5 दिनों से लापता लेखपाल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में थाना चिलवाताल क्षेत्र में रोहिणी नदी में हुआ बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पुलिस जुटी तफ्तीश में। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। 9 दिसंबर को राष्ट्रपति के संभावित आगमन सहित विकास कार्यों की हुई समीक्षा, कहा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पूर्वक समय अनुसार करे पूरा। पंडित नेहरू की जयंती पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने दी श्रद्धांजलि, युवाओं को नेहरू के बताए मार्ग पर चलने का किया आह्वान। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेसियों ने जिला अस्पताल में मरीजों को किया फल का वितरण, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। प्राणी विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 16 से विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजय सिंह ने दी जानकारी। बाल दिवस पर एडी स्कूल में लगा बाल मेला, पुष्प अर्पित करके चाचा नेहरू को दी गई श्रद्धांजलि। विश्व मधुमेह दिवस पर डायबिटीज सेल्फ केयर एसोसिएशन एवं लाज वालास ने किया मधुमेह जन चेतना व्याख्यान माला और जन जागरूकता रैली का आयोजन। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ BSNL के कर्मचारी उतरे सड़क पर, निकाली रैली, मांगे पूरी नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। और विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित हुई गोष्ठी, मधुमेह से बचने के उपायों की दी गई जानकारी।